जब हम किसी बातों को कह देते हैं तो कहने से पहली बार जिस बात से आप डर रहे हैं वो डर आपका समाप्त हो गया, सही है। उसके बाद आपको उसमें क्या करना है वो आपको वो भी पता लग जाता है। तो हम तो बेवजह फालतू में परेशान हो रहे थे ना। आप जो सोच लेते हो कि ऐसा होगा नहीं ऐसा हो जाएगा, यही गलत है। अगर उसको खुल के आप कह देते हो अपने मम्मी पापा से तो बच्चों डर खत्म हो जाता है, फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सभी बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं करेगा, पहली बात वो डरेगा नहीं, जो भी प्रॉब्लम है मम्मी पापा से शेयर करोगे, ठीक है। अपने अंदर कोई चीज़ रख के डरना, ठीक है, ओके। अब हम बच्चों क्या करेंगे आगे का अपना जो है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये सारी जब क्वालिटी हम देखते हैं तो ये लगता है कि ये सारी उस चिड़िया में क्वालिटी है, ये चिड़िया के गुण हैं। लेकिन अकस्मात बीच में जब हमारे लेखक कवि आते हैं तो कहते हैं अरे वो तो मैं हूँ। तो मैं हूँ का मतलब कि चिड़िए का रूप, यानी चिड़िए के रूप में लेखक हमारे सामने ये सारी बातों को कह रहा है, और वो भी हमें यही सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें कभी भी डरना या घबराना नहीं चाहिए। निडरता से आप आगे बढ़िए, क्योंकि रुकावटें तो बहुत सारी आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम लाइफ में आते हैं। आज सिक्स क्लास में हो तो छोटी छोटी चीज़ों का प्रॉब्लम है, कल सेवन में जाओगे तो थोड़ी पढ़ाई और टफ होगी। तो क्या हमें उसे डरना है? बिल्कुल नहीं। हमें हर एक चीज़ से लड़ो, जब तक आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? आप पहले ही से हथियार डाल दोगे कि जाने तो जाने ही नहीं है मैदान में, ना जाएंगे ना लड़ेंगे ना जीतने ना हारना होगा, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। हमेशा चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, उसे निडरता से आप आगे बढ़िए। सपोर्ट के लिए आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हर कोई साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ मन से पूरी तरह से निकाल देना है। इसके बाद बच्चों लेखक जब कहते हैं कि ये गर्व, इसे हर बात का गर्व भी करती है वो, कि इस चीज़ों को अगर करने का एहसास सिर्फ मुझ में है, अब मैं ये साहस ये मान सकती हूँ कि मेरे इन बच्चों में भी है, आप सब में भी है। क्या आप भी वो गर्वीली चिड़िया हो? वेरी गुड। मैं चाहूँगी कि आप वो गर्वीली चिड़िया बनो, इसलिए बनो कि बच्चे जब डरेंगे नहीं तो निश्चित तौर पर उन्हें आगे बढ़ना है, वो पीछे हट ही नहीं सकते, ठीक। अब इसके बाद कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, यानी नदियों में इस प्रकार से क्रीड़ा करना, क्रीड़ा करके मोती चुन लाना, ये वही कर सकता है जिसे नदी से प्यार है। ये भी लेखक इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चिड़िए के रूप में हमारे कवि हमारे सामने प्रस्तुत है, उनके द्वारा ही ये बातें हमारे सामने रखी जा रही हैं। तो उन्हें नदी से प्यार है, और जिसके पास नदी से जब उसे प्यार होता है तो प्यार होने के साथ ही वो क्या करता है, वो आगे बढ़ता जाता है, और बढ़ने के साथ फिर उन्हें उन चीज़ों से डर नहीं लगता। पानी को छूने से या स्विमिंग करने से या पानी में उतरने से अगर हम डरने लगें तो नहाना बंद हो जाएगा, पानी पीना बंद हो जाएगा, और पानी से हर एक चीज़ें बढ़ती वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब